वॉकेब फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस युवाम की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज का शब्द हमारा है एमिनेंट। ध्यान दीजिए, इसकी स्पेलिंग है EMINENT, एमिनेंट, और यह एक एडजेक्टिव है। आइए इसके मीनिंग देखते हैं। पहला इसका मीनिंग है, जब हम कुछ व्यक्तियों की बात करें यानी लोगों के बारे में बात कहें, तो लिखा आपके सामने जैसा कि लिखा है, ऑफ पीपल वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर गुड प्रोफेशन, कि एक अच्छे व्यवसाय के लिए, विशेष तौर पर अच्छे व्यवसाय के लिए जो वेल नोन है और जो बहुत रिस्पेक्टेड है। ठीक ऐसे इसका सेकंड नंबर पर एक मीनिंग है, ऑफ पीपल्स क्वालिटी, जब हम लोगों की क्वालिटी के बारे में बात करें तो अनयूजुअल एंड एक्सीलेंट, यानी उस व्यक्ति में जो क्वालिटीज़ हैं वो अनयूजुअल हैं और एक्सीलेंट है। हिंदी में इसके मीनिंग है, प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उल्लेखनीय, विशिष्ट, ये सभी हिंदी में इसके मीनिंग इसके निकलते हैं। आइए इस शब्द पे कुछ सेंटेंस देखते हैं और पहला सेंटेंस आपके सामने है, राम जेठमलानी इज एन एमिनेंट लॉयर ऑफ द कंट्री। आप सभी विद्यार्थी राम जेठमलानी जी को जानते हैं, वो देश के एक बहुत ही उत्कृष्ट और उल्लेखनीय, विशिष्ट या प्रतिष्ठित लॉयर हैं हमारे देश के। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस आपके सामने है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री। आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध और विशिष्ट साइंटिस्ट थे, साथ में वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं और ये सेंटेंस है, ही इज़ ए मैन ऑफ एमिनेंट गुड सेंस, कि वह एक एमिनेंट गुड सेंस वाला व्यक्ति है, यानी ये व्यक्ति की किसी क्वालिटी की तुलना की गई है। इसके सिनोनिम्स होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, सेलिब्रेटेड, इलस्ट्रियस, फेमस, नॉटेड, अनफेम्ड। इसके एंटोनिम्स में जो महत्वपूर्ण है वो है अनोनिमस, अननोन, अनसंग, अनफेमस, ऑब्स्क्योर। और ध्यान दीजिए, एमिनेंट एक एडजेक्टिव है, सो वर्ड फॉर्मेशन में एमिनेंट से हम लोग बनाएंगे इसका नाउन एमिनेंस, तो ये एमिनेंस जो है ये इस एमिनेंट का नाउन है। डे टू डे लाइफ में लिखने के हिसाब से और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, अवश्य इसको याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।